आ गए हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी व्यक्ति के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गुप्त मीटिंग करते हुए सेनापतियों के साथ देखते हुए आगे बढ़ना है। कल्याण बढ़िया मान सिंह सज्जावत देलवाड़ा ताराचंद कावड़िया ये वीर प्रधान भमाशा जी रावत सांगा तुंडावत पठाम हकीम खां सूर भीम सोम लोडिया ये है परम जाला बिंदा फिर है रामदास राठौर ये देखो सारे नाम बने हुए हैं। तो गाइस अपन ने भी देखा सारा संग्रहालय में सारी चीज़ें देखी हैं। अपन बाहर आ चुके हैं, पहाड़ की संस्कृति देखेंगे अपन अभी। अभी अपन अंधेरे से बाहर आ चुके हैं, अभी ये बताएंगे सारी चीज़ें। अच्छा अंडे मैंगो देता है।
देखा अपन नहीं, अभी यहाँ पे एक संस्कृति बनी हुई है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या क्या बना हुआ है। बेल वेल वगैरह बने, सारे बने हुए हैं। अपन ने अभी संग्रहालय में सारी चीज़ें देखी, इन्होंने अभी लाइव जो इनको डेकोरेशन वगैरह जो ग्राफिक्स वगैरह के हिसाब से बताया इन्होंने, तो अभी अपन चलेंगे इधर सारा, है ना। ठीक है, अभी देखते हैं। ये देखो बेल है, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे पुराने जमाने में क्या है कि देवरे होते थे, जो कोई बीमार होता था तो झाड़ फूक करके ने फिर काम करते थे, सही करते थे, झाड़ फूक करके ही करते थे। हाँ, बुआरी ना, बुआरी नाकता। और ये एक कूड़ा है, ये कूड़ा, ये ऐसे देखो रहट रहट से ऐसे खींच के नहीं, यहाँ से ये पहले बोलते थे छड़ छड़, ऐसे बेल बेल से निकालते थे पानी, छड़ हाकी राई छड़ छड़, है ना। ये देखो ये कुआ हुआ बना हुआ है, ये गौरी नाथ, ये गौरी जो रंगे बने हुए हैं, गौरी बबरी। ये देखो छोटे बच्चे मजे ले रहे हैं पानी में, आज सारे बच्चों की पिकनिक है ये देखे, तो यहाँ पे पिकनिक विकनिक जा रहे हैं। ये देखो गाने बज रहे पुराने दौर के, पहले गुण निकालते थे। सब दिन चलाते थे पिलाने के लिए, इससे रस निकालते थे पहले पुराने जमाने में। अभी भी निकालते हैं, अभी भी निकालते हैं, पर अभी भी वो चरखा आ गया नया वाला मशीन वाला। पुराने लोग कैसे बैलगाड़ियों पे कार्य करते थे, तो कैसे किसान निकला किया जाता था, ये सब सफेरा है आपका, ये थोड़ा फिर से वहीं आ गए हैं जहाँ पहले पानी निकालने का प्रोसेस था, से आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसको आयरन बोलते हैं, जहाँ लोहे को नुकीला किया जाता है खुदे करने के लिए, ये जब हाँ वो दुलिया लवार बोले अड़े मेवाड़ी में गए तो दुलिया लवार दूलिया लेवा गाड़ी लोहार, गाड़ी लोहार जो लिखा हुआ है, लेकिन दूलिया दूलिया बोलते हैं।
वो यह देखो ये सुंदर दृश्य गाय का दूध पीते हुए बछड़ा, बहुत ही अच्छा दृश्य है। तो गाइस यहाँ पे है मेवाड़ाधिपति मंगा मंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो अभी ये बता बताऊंगा आपको। सारा वीडियो बन चुका है संग्रहालय का, तो अभी अपन चलेंगे बाहर। हाँ, आपके पैसे वैसे अगर निकालने हो तो यहाँ पे इसलिए ATM लगा हुआ है, काफी भीड़ भी लगी हुई है। अपन कहाँ चलेंगे? ये थोड़ा वोड़ा पी लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, फिर खा लेते हैं। तो गाइस अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से, संग्रहालय से जा रहे हैं रिटर्न। अभी थक भी चुके हैं, कुछ खाएंगे अभी जाके रास्ते में। तो गाइस अभी आ चुके हैं अपन वीडियो शूट करके, तो अभी थक चुके हैं इसलिए हम लेटे हैं। तो वीडियो पसंद आने में तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं फिर बाद में नए वीडियो में। चलो बाय। We'll be right back.